ट्रिनिटी कराटे का मैं कैप्टन हूँ, तो पहले मैंने मजाक में बोला था कि मेरे मुंह पे लग सकती है, लेकिन अभी मेरे इतनी तेज इस साइड लगी है ना। तीसरा गोल्ड मेडल नहीं मिला क्योंकि उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, मेरी फाइट भी नहीं आई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 नवंबर और अभी मैं जा रहा हूँ, एक तो देखो ठंड कितनी हो रही है, 3 डिग्री और फील्स लाइक 1 है। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ अभी यूसीडी में है इंटर कॉलेजिएट कराटे टूर्नामेंट और ट्रिनिटी कराटे का मैं कैप्टन हूँ। तो इस साल भी जा रहा हूँ, लास्ट ईयर मैं इंटर वार्सिटी के लिए गया था, इस साल इंटर कॉलेजिएट यहाँ पे हो रहा है, वार्सिटी पता नहीं कहाँ पे हो रहा है। तो एज़ यूजुअल लेट तो हो गया हूँ, 9:25 और 9:30 से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लेकिन टीम के बाकी 3 लोग शायद से पहले पहुँच जाएंगे। हाँ, वो निकल गए थे, तो बस लुएस खड़ी है क्या? हाँ, लुएस खड़ी है और 1 मिनट निकलने वाली है। मैं आ गया हूँ एबी स्ट्रीट, ये रहा एबी स्ट्रीट, ये जाए लुएस जिससे मैं आया था, और अभी मेरे को जाना है डॉलियर से मैं लूँगा 39A का लास्ट स्टॉप है शायद यूसीडी, और ब्लैंकस्टाउन भी वही जाती है, तो 39A लेके सीधे यूसीडी अभी मैं जा तो रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो की वही शर्त है, अगर मैं कुछ जीता तो ये वीडियो आएगी, अगर नहीं जीता तो ये वीडियो नहीं आएगी। तो अगर देख रहे हो तो अभी से समझ जाओ कुछ लेके आया हूँ मैं। और ACL का दर्द अभी भी थोड़ा है मेरे पैर में, लाइक जब मैं कब गया था, मार्च में गया था तब भी मेरा ACL का दर्द था। नहीं, अप्रैल में तो मेरा प्रॉपर ACL का दर्द था, तब मैं 2 मेडल जीत गया, 2 गोल्ड ही जीता था तब भी, और अब तो जीत ही जाऊँगा शायद से, थोड़ा कम हो गया दर्द। लेकिन इंटर कॉलेज एट में मेरे को पता नहीं कौन कौन से कॉलेज आते हैं, तो एक बार जाके देखना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ UCD कैंपस में, और मेरे को ये नहीं याद आ रहा है कि कहाँ पे जाना है, लाइक लास्ट ईयर इसी साइड उतरा था और यहाँ से गए थे, ये बेलफील्ड हुआ है कैंपस, तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है, मतलब UCD का तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, दूसरी बता रहा हूँ। यहाँ से अपनी 11 मिनट की वॉक है, सोचो कितना बड़ा कैंपस है ये, देखा कैंपस कितना बड़ा है इनका, ट्रिनिटी का कितना छोटा कैंपस है इनके सामने, और ये पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा है। कितनी तो इनके पास फील्ड है, कितने इनके पास खेलने हैं, केजेस वगैरह, इनका स्पोर्ट्स सेंटर बहुत बड़ा है और कैंपस भी ज़्यादा नया है। तो हाँ, UCD वैसे तो बढ़िया है, लेकिन ट्रिनिटी है। हाँ, एज ए कैप्टन जा रहा हूँ मैं, मेरी टीम आई है, 3 लोग और आए हैं और मैं चौथा हूँ, वो 3 लोग पहुँच गए हैं, मैं नहीं पहुँचा हूँ। रजिस्ट्रेशन 9:30 to 10 थी और 10 से टूर्नामेंट स्टार्ट था, तो 10-12 हो रहे हैं अभी, बस में कुछ 25 मिनट्स लगे हैं मेरे को, तो ज़्यादा देर तो लगी नहीं, हो जाएगा। मैं जानता हूँ UCD कराटे में भी बाकी लोगों को, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो काफ़ी दोस्त वगैरह बन ही गए थे मेरे, जब मैं आया था तो इस साइड से भीगता हुआ कहीं से आया था क्योंकि बारिश हो रही थी, और आज तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता मिल गया मेरे को, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने लगाया था दोनों बार गूगल मैप्स पे था उस दिन, पता नहीं इतने लंबे रास्ते से क्यों लेके आया, आज मेरे को 7-8 मिनट लगे, उस दिन मेरे को 15-20 मिनट लगे थे भाई, क्या ही बताऊँ। और बिल्कुल सामने स्पोर्ट्स सेंटर है और इनकी छोटी वाली पिचेस हैं फुटबॉल की और हॉकी वगैरह की, ये रहा UCD स्पोर्ट्स सेंटर, और यहाँ पे कैफे वगैरह टाइप का है इनका, और आगे जाके इनका पूरा स्पोर्ट्स वाले हॉल्स वगैरह हैं, जैसे हमारा एंसिलरी हॉल है, शायद से इनका भी एंसिलरी हॉल ही है, लेकिन मेरे को तो याद है क्योंकि लास्ट ईयर आया था। ये देखो स्टूडेंट सेंटर वगैरह, क्लाइंबिंग वॉल वगैरह, ग्रेजुएट स्पोर्ट्स स्कॉलर्स, वो पिछली बार फोटोज़ थी सबकी, इस बार हटा दी है, अभी नहीं है। ये रहा नीचे, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं सब, मैं भी जाता हूँ नीचे देखता हूँ हॉल ए वाला। अभी मेरी वाली कैटेगरी ख़त्म हो गई है और उसमें मेरे को गोल्ड मिल गया है, और बाकी अभी मेरी कुमीते बची हुई है और 10 कुमीते बची हुई है, तो होप करूँगा कि 2 गोल्ड और मिल जाए। कुमीते में मेरे पैर में थोड़ी दर्द हो रहा है, तो उसमें मेरे को मुश्किल लग रहा है, टीम कुमीते में अगर मेरी टीम अच्छी हुई तो मैं ट्राई करूँगा, हाँ पक्का मिल जाए, लेकिन बाकी अभी सही चल रहा है यहाँ पे। आधे घंटे से ऐसे बैठा हूँ और अभी बस लंच का ब्रेक वगैरह ख़त्म हुआ है इन लोगों का, अभी कुमीते स्टार्ट होएगा, और मेरा तो भाई दिमाग ख़राब हो रखा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। यहाँ पे चल रहा है सब कुछ,
अभी कुमी तो स्टार्ट होने वाला है, बस मैं बाहर घूमने गया था, बोर हो रहा था अंदर से, तो देख के आऊँ। ये ले लिया मैंने ग्लव्स, इसमें से निकालूंगा अपना माउथ गार्ड जो कि यहीं कहीं रखा होगा, मेरा माउथ गार्ड। और बस अभी आने वाला होगा नंबर, जाता हूँ, देखता हूँ मेडल मिलता है नहीं मिलता। पहले मैंने मजाक में बोला था कि मेरे मुंह पे लग सकती है, लेकिन अभी मेरे इतनी तेज़ इस साइड लगी है ना, इतनी तेज़, लाइक मेरे को 10-15 सेकंड कुछ दिख नहीं रहा था, मेरे को पता नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं खाली माउथ गार्ड निकाल के बैठ गया था। और भाई बहुत तेज़ मुक्का था सीधे यहाँ पे, तो डॉक्टर वगैरह ने मेरे को 15-20 मिनट में चेकअप वगैरह करा, ब्लीडिंग शायद से नहीं हुई, मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि उसने मेरे को बताया भी नहीं, और बाकी तो ठीक ही है सर, ऐसे ही बैठा हूँ। अभी एक उम्मीद और करूँगा, उसमें गोल्ड जीत गया, एक गोल्ड पहले जीत चुका हूँ, तीसरा करके हैट्रिक करके जाऊँगा आज। मेरे सारे बाउट्स खत्म हो गए और तीसरा गोल्ड मेडल नहीं मिला, क्योंकि उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, मेरी फाइट भी नहीं आई, मेरे से पहले जो टीम वाले थे वो दोनों हार गए, और मेरे को पहले जाना चाहिए था लेकिन मेरे नाक में थोड़ी तेज़ लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले नहीं जा रहा, लास्ट वाली फाइट पे मेरे को चला जाना चाहिए था, पहले मेरी गलती है, लेकिन अब कोई बात नहीं, इसमें ब्रोंज मिला है, लेकिन 3 गोल्ड कितना सही लगता साथ में। हाँ बस इतना ही है, अभी मेडल सेरेमनी वगैरह होगी, सोचा था कुछ खा लूँगा यहाँ पर, लेकिन इतनी लंबी लाइन देख के मेरा मन नहीं कर रहा, अंदर जाके बैठ जाता हूँ, वो तो गया मेरा ख़त्म, लेकिन मेडल लिए बिना जाऊँगा नहीं मैं। और अभी जाके मेरे को मशीन लर्निंग का असाइनमेंट वगैरह भी करना, जाते वो करने बैठूँगा, वो सबमिट करूँगा, पर से मेरे इंटरनेट एप्लीकेशन का वो है पेपर, उसके लिए पढ़ना है। अभी बस मेडल सेरेमनी वगैरह चल रही है, और मेडल्स इनके पास है नहीं क्योंकि इन्होंने ऑर्डर करे थे 2-3 दिन पहले, अभी तक आए नहीं है, तो मिलेंगे मेरे को नेक्स्ट वीक कह रहे हैं कि मेल डाल देंगे, फिर देखते हैं ट्रिनिटी तो कैसे आएंगे, मैं तो नहीं आ रहा लेने, लेकिन यार 2 गोल्ड मेडल हैं, 1 ब्रॉन्ज है मेरा, तो ठीक है आज के भी हो ही गए। और बस अभी वहाँ पे जाऊँगा, खड़ा हूँगा, फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोटो खिंचवा लूँगा, बस बढ़िया था।